Now, a group of senior MBBS students in Madhya Pradesh's biggest state government medical college have been charged with ragging, including forcing juniors to perform vulgar and abusive acts. After the incident involving senior students of the MGM Medical College in Indore, the shocked juniors dialed the University Grants Commission, that's the UGC's anti-ragging helpline, and narrated their horrific ordeal. यूजीसी के साइट से ऑफिशियल साइट से हमारी ईमेल आई परसों आया था जिसमें एक कंप्लेंट थी स्टूडेंट्स की. उसके साथ उन्होंने कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे. तो उसमें नियम है कि एंटी रैगिंग कमेटी को हमको विद इन 24 आवर्स को देना रहता है. तो कल हम लोगों ने 1 बजे से 3 बजे तक हमारी एंटी रैगिंग कमेटी ने उसको स्टडी किया और जो कंप्लेंट थी उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे वो सब देखे. तो उसके बाद ये तय किया गया उन्हें कि इसके में FIR दर्ज करनी चाहिए. तो हम लोगों ने इसलिए उसकी FIR दर्ज की. ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसके अंतर्गत 294, 323, 506 और एंटी रैगिंग एक्ट के अंतर्गत कायमी की गई है जिसमें MGM कॉलेज कि कोई जूनियर छात्र द्वारा जो रैगिंग में शिकायत की साइट होती है उस साइट पर कंप्लेंट की थी. वो जब यहाँ डीन को प्राप्त हुई उनके द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी जो कॉलेज की है उससे उसकी जांच करवाई गई. क्योंकि प्रकरण तकनीकी आधार पर था और उसमें फरियादी ने भी अपना नाम वगैरह नहीं बताया था तो वो सब एंटी रैगिंग कमेटी ने रिकमेंड किया. तो डीन द्वारा थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच चालू की है और तकनीकी आधार पर और अन्य तरीके से कथन वगैरह लेकर आगे की जांच की जाए.